हिंदी करंट अफेयर्स क्विज 14 नवंबर 2019। एक, नौसेना द्वारा किस पहली महिला अधिकारी को नेवल एचए के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा? कर्बी गोगोई। लेफ्टिनेंट कमांडर कर्बी गोगोई को भारतीय नेवी द्वारा रूस में असिस्टेंट नेवल अटैची के रूप में तैनात किया जाएगा। उनके अतिरिक्त अंजलि सिंह डिप्टी एयर अटैची के रूप में रूस में तैनात की जाएंगी। लेफ्टिनेंट कमांडर गोगोई वर्तमान में कर्नाटक में बतौर इंजीनियर पोस्टेड हैं। वे वर्ष 2010 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। डिफेंस अटैची मेजबान देश के सैन्य अधिकारियों के साथ मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। दो, बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया? वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। वशिष्ठ नारायण साल 1965 में अमेरिका चले गए। उन्होंने साल 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। वे वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। तीन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? केरल। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 0.2 मिलियन गरीब परिवारों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहयोगात्मक पहल है। इस परियोजना के पूरे होने पर केरल राज्य, जो पहले से ही मानव विकास संकेतकों में शीर्ष पर है, डिजिटल विकास के क्षेत्र में भी विकास करेगा। चार, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जाया बोलसोनारो अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिक्स पहुंचे हैं। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। पांच, उच्चतम न्यायालय ने किस लड़ाकू विमान सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं? राफेल लड़ाकू विमान। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं के खारिज कर दिया। 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है। 6. निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह रोग के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत 1991 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा मधुमेह संघ द्वारा की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 415 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। मधुमेह के दौरान शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। 7. हाल ही में आईसीसी ने वेस्टइंडीज के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को गेंद की स्थिति बदलने का दोषी पाए जाने के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बैन कर दिया है? निकोलस पूरन। उनके खिलाफ ये कार्रवाई अफगानिस्तान के साथ खेले गए तीसरे वनडे के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में की गई। पूरन पर आईसीसी की आचार संहिता के नियम 2.14 के उल्लंघन का आरोप लगा था, जो कि गेंद की स्थिति में बदलाव से जुड़ा है। बैन के वजह से वे आने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही उनके खाते में 5 नकारात्मक अंक भी जोड़ दिए गए। 8. निम्नलिखित में से किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है? नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को न्यूयॉर्क स्थित द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट द मेट के बोर्ड में चुना गया है। उन्हें भारत की कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने तथा उसका प्रचार करने में उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। यह म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक देखा जाने वाला आर्ट म्यूजियम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी 2016 से रिलायंस फाउंडेशन द्वारा द मेट को सहयोग दे रही हैं। 9. हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक।
राज्यपाल तथागत राय ने राजभवन में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रफीक ने न्यायमूर्ति अजय कुमार का स्थान ग्रहण किया है, जो अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल रहे हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को 2008 में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। उन्होंने 1984 में राजस्थान उच्च न्यायालय में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इनकर्ट गुरु, इनकर्ट गुरु.com। डाउनलोड PDF।